नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां से हमारे सहयोगी विभा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनके पास है इस वक्त की बड़ी खबर। विभा, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल, तो बड़ी खबर जमुई से आ रही है, जहां पर सोनों में 3 दिन से लापता विवाहिता के शव को बरामद किया गया है। कुएं से शव मिलने के बाद इलाके में बवाल मच गया। और देखिए, जमुई से ये बड़ी खबर, जहां पर महिला के शव की बरामदगी की गई है और इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर इस दौरान पथराव शुरू कर दिया है। ये खबर सामने आती हुई जिस पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक और पथराव की खबरें सामने आ रही है। पथराव में कई पुलिसकर्मी इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं और इसके साथ ही फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस टीम जो है वो पहुंच चुकी है। और स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने वो तस्वीरें भी, जहां पर देखिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई, पुलिसकर्मियों के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस और पब्लिक आपस में ही उलझ जाती है। पथराव की घटना हुई है जिस दौरान पथराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और यहां पर ये बवाल इसलिए मचा क्योंकि एक महिला 3 दिनों से लापता थी और लापता महिला को लेकर कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था, लेकिन शव की बरामदगी कुएं से की गई, जिसके बाद 3 दिनों से लापता इस महिला जो कि विवाहिता बताई जा रही है, कुएं से शव की बरामदगी के बाद बवाल मच जाता है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर ही पथराव शुरू कर दिया और भड़के ग्रामीणों की तरफ से देखिए कैसे जमकर पथराव जो है इस दौरान किया जाता है। और पुलिस टीम यहां पर कम पड़ती नजर आई, कई पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं। जिस महिला के शव की बरामदगी की गई है वो 3 दिनों से लापता बताई जा रही थी और इसे लेकर खोजबीन जरूर की जा रही थी, लेकिन किसी तरह की कोई जानकारी हाथ नहीं लग रही थी। आज जब शव को कुएं से बरामद किया गया, उसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस टीम को निशाना बनाया और इस हमले में कई पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, लापता विवाहिता का शव कुएं से बरामद किया गया है। शव मिलने के बाद परिजन आक्रोशित हुए और जमकर बवाल काटा गया। सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम से स्टूडियो का, जहां हमारी सहयोगी शिप्रा मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी जानकारी के लिए विभा। बढ़ते हैं आगे।